समुंदर में नहा के और भी नमकीन हो गई। ये गाना तो आप सबने सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं समंदर की मस्ती भरे लहरों के नज़दीक जाते ही आप सिर्फ नमकीन ही नहीं, हसीन, रोमांच से भरपूर और ताज़ा तरीन भी हो सकते हैं। चाहे दीघा या चेन्नई का मरीना बीच, गोवा या लक्षद्वीप ही क्यों ना हो, विश्वास करिए समंदर के किनारे होने की सोच ही आपके पूरे दिन को मकर संक्रांति के गुड़ और तिल के लड्डू की तरह गर्मजोशी और मिठास से भर देगी। इस वीडियो में समंदर के किनारे सूर्य की चमक, रेत, नमक पानी, खुला आकाश और शांति, समुद्री हवाएं यानी पंच महाभूतों के कांटेक्ट में आकर आप अपनी ऑरा को हील और प्राण ऊर्जा को कैसे बढ़ा सकती हैं ये सब जानेंगे। इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इस समंदर में आपके जीवन को संवारने की कितनी ताकत है, तो फिर देर किस बात की है, आइए गोते लगाते हैं। आप जब समुंदर के रेत पर वॉक करते हैं तो आप अपनी पृथ्वी तत्व को मजबूत बनाते हैं, एक सेंस ऑफ ग्राउंडिंग, रूप चक्र को बैलेंस करते हैं, ऑफिसेस और घरों के बंद कमरों की बंदिशों को तोड़कर जब आप समंदर के किनारे खुली आकाश या हवा में सांस लेते हैं तब आप अपने आप को बहुत ही तरोताज़ा महसूस करते हैं। बीचेस पर लॉन्ग वॉक और डीप ब्रीदिंग आपके सांसों से जुड़ी समस्याओं को हील करते हैं। बीचेस आपको हेल्दी रखती हैं, समीर तत्व को नज़दीक आते हैं। हमारे व्यस्तता से भरी ज़िंदगी में सुबह की सुनहरी धूप सेकने के रिवाज को तो हम भूल ही गए हैं, पर इस दरिया दिल के किनारे आपको सिर्फ विटामिन सी, एस ई ए ही नहीं, विटामिन डी भी मिलता है, वो भी मुफ्त मुफ्त मुफ्त। सबसे बड़ी आकर्षण जो यहाँ की होती है वो सनराइज और सनसेट होते हैं, आप ये कभी नहीं भूल। सी बीचेस पर पार्टी का चलन, कई लोग आउटडोर एक्टिविटीज़, वॉलीबॉल खेलते हुए या ऊँट पर घूमते हुए घुड़सवारी करते हुए दिखेंगे, ये सारी एक्टिविटीज़ आपको बिल्कुल करना चाहिए। इससे हमारे फैमिली मेम्बर्स के बीच में या आप दोस्त के साथ गए हैं या रिलेटिव्स के बीच में रिश्ते सुधरते हैं, रिलेशनशिप हील होता है, हमारे इम्यून सिस्टम ऑक्सीटोसिन जो कि एक हार्मोन है जो हमें खुश रखता है, यहाँ सी बीच पर इन सब एक्टिविटीज़ को करने से हम बहुत खुशी का अनुभव करते हैं, हमारा ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव होता है। सी बीच के रिदमिक वेव्स और ओपन स्पेस हमारे स्ट्रेस को कम करते हैं। समंदर के नमक पानी में आप गोते लगा कर देखिए, कई वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं सी बीचेस पर, वो आपको एक स्कूटर सा होता है जिसमें बैठा कर पूरे समंदर का चक्कर लगवाते हैं, या आप सी बीच में बस किनारे पानी के पास बैठ जाइए, आप सी बीच से वापस आने के बाद बेहद रिलैक्स महसूस करेंगे। सॉल्ट वाटर हमारी बॉडी को हील करने में बहुत हेल्पफुल है, हमारा पूरा ऑरा क्लींस होने के साथ एनर्जी शिफ्ट में भी आप बदलाव महसूस करेंगे, पॉजिटिविटी बहुत महसूस करेंगे, एक तरह से ओशन स्पा भी हो जाता है आपका सॉल्ट वाटर में नहाने से या आप डुबकी लगाते हैं बस खेलने से ही। आप देखेंगे आपकी मेंटल क्लैरिटी, प्रोडक्टिविटी 10 times बढ़ जाएगी। आप घर पर भी 90 minutes बॉडी मसाज ट्वाइस अ वीक ज़रूर ट्राई करें, आप बिल्कुल अपनी प्रोडक्टिविटी और मेंटल क्लैरिटी में फ़र्क महसूस करेंगे। जो लोग काफ़ी उम्रदराज हैं या इतना एडवेंचर पसंद नहीं करते या बॉडी अलाउ नहीं करता, तो आप सी बीच पर समंदर के लहरों की आवाज़ पर मेडिटेट कर सकते हैं, योगा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं। इससे आपका सेल्फ से कनेक्ट बढ़ेगा, आप अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे। सी बीचेस इंसान की रूटीन लाइफ को एक ब्रेक देता है और आप एक नेचुरल वर्ल्ड से आसान से कनेक्ट हो पाते हैं। बीचेस रिलैक्सेशन और फ्रीडम को सिंबलाइज करते हैं। अगर आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं तो अपनी मोनोटोनस ज़िंदगी को भी एक ब्रेक देते हुए सी बीच पर अपनी और अपनी आत्मा से ज़रूर मिलिए।
हरे कृष्णा।